मेरा नाम सुनील सिंह है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। आज विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महातिरंगा रैली निकाल करके पूरे विश्वविद्यालय का राउंड करके हम विक्रम चौक तक के और विक्रम चौक से हमारे झंडे के पास आके समापन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं इस जैसे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आता है तो उसी के उपलक्ष्य पे आज हमने ये महारैली जो है विश्वविद्यालय के अंदर निकाली है। आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय का हर एक स्टूडेंट, हर एक डिपार्टमेंट से आज हमारे इस महारैली में आया हुआ है। ये महारैली स्वतंत्रता सेनानी और संविधान को स्थापना करने वाले उन महापुरुषों को नमन करते हुए हम इस रैली को निकाल रहे हैं। ये रैली का सबसे बड़ा मैसेज उन लोगों को है जो अनुच्छेद 370 और 35 से हटने पर कहते थे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं है। आज उनके चेहरे पर तमाचा है कि 100 मीटर का तिरंगा निकाल के एक भव्य कार्यक्रम निकल रहा है। जी सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। और ये आप जो देख रहे हैं ये तिरंगा रैली जो है ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर के द्वारा और NSS कोऑर्डिनेटर जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है। और आज जैसे कि आप जानते हैं 25th है और आज नेशनल वोटर्स डे भी है और कल हमारा 26 जनवरी है रिपब्लिक डे। तो आज हमने वोटर्स डे और रिपब्लिक डे दोनों का एक कंबाइन करके एक हमने रैली ऑर्गेनाइज़ की है। आप देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स NSS के कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ पे आए, वॉलंटियर्स आए हुए हैं
जो कि एक बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। डीन स्टूडेंट वेलफेयर वाइस चांसलर सर ने जो फ्लैग ऑफ किया है, और ये बच्चों में आप उत्साह देख रहे हैं, कितना उत्साह है। तिरंगा मार्च किस लिए किया गया आज? तिरंगा मार्च सर इसलिए किया गया कि जागरूकता फैले युवाओं में, देश के प्रति भावना, देश के प्रति जो इनकी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर पाए, ऐसे कि कर नहीं पाते हैं लोग, और ये एक अवसर मिला इन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का।